नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूँ बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल जारी। भारत मंडपम से तिरंगा बाइक से निकाली गई रैली। सरकार ने 4000 स्पेशल गेस्ट को भेजा न्योता। राम रहीम को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मिली फरलो। 21 दिन जेल से रहेगा बाहर। यूपी के 15 जिलों में आई बाढ़। वाराणसी में 65 घाट डूबे, एनडीआरएफ की टीम तैनात। तो वहीं एमपी में तालाब फूटा, 20 गांवों में अलर्ट जारी। कठुआ में आतंकियों के 8 मददगारों को किया गया गिरफ्तार। 26 जून को मारे गए 3 आतंकियों को बॉर्डर पार करने में मदद करने के लगे हैं आरोप। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 वापस लिया। मंत्रालय बोला नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे। विपक्ष का आरोप था चुनिंदा लोगों को जानकारी दी। भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव बालकृष्ण को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया अब मानना का केस। स्वतंत्रता दिवस पर यूपी की राजधानी लखनऊ में सिनेमा घरों में फिल्में दिखाई जाएंगी फ्री। राजधानी के लोग देशभक्ति फिल्मों का उठा सकेंगे आनंद। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में करीब 300 अंक की गिरावट। ये 79,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा। आपको बता दें बैंक, ऑटो, शेयर, मेटल्स शेयरों में ज्यादा तेजी देखने को मिली। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से फरलो दे दी है। दरअसल राम रहीम 21 दिन के लिए जेल से बाहर आ गया है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाबा राम रहीम जेल के बाहर आ गया। मंगलवार सुबह हनीप्रीत सुनारिया जेल से राम रहीम को लेकर यूपी के वरनावा आश्रम के लिए रवाना हुई। दरअसल आपको ये भी बताते चलें कि गुरमीत को साध्वी दुष्कर्म मामले में साल 2017 में सजा सुनाई गई थी। बाद में उसे छत्रपति हत्याकांड और रंजीत हत्याकांड में भी सजा हो चुकी है। तभी से वह सुनारिया जेल में बंद है। पिछली बार 19 जनवरी को सरकार ने राम रहीम को 50 दिन की परोल दी थी, जो यूपी के वरनावा आश्रम में व्यतीत की गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर फैसला दिया था कि राम रहीम को पैरोल या फरलो हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर नहीं दी जाएगी। वहीं राम रहीम की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर पैरोल या फरलो पर रोक हटाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि प्रदेश सरकार राम रहीम की पैरोल या फरलो देने का फैसला खुद ले। इसके बाद राम रहीम ने 21 दिन की फरलो की अर्जी दाखिल की थी। सरकार ने अर्जी स्वीकार कर ली और सोमवार को फरलो मंजूर कर ली गई। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ दुर्भाग्यवश हुए घटनाक्रम में खेल पंचाट आज रात करीब 9:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल इस फैसले पर विनेश और फोगाट परिवार के साथ साथ हर देशवासी की उम्मीद टिकी हुई है। आपको बता दें कि खेल प्रेमी बेसब्री से इस प्रकरण में फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मंगलवार का दिन विनेश के लिए खास साबित हो सकता है और कारण यह है कि अगर उन्हें रजत पदक मिलता है तो फिर फोगाट परिवार का ओलंपिक पदक का 24 साल का लंबा इंतजार खत्म हो सकता है। बताते चले कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में पदक की प्रबल दावेदारी माने जा रही हैं। अपनी ख्याति के अनुसार उन्होंने ओलंपिक में प्रदर्शन करते हुए एक दिन में लगातार 3 बाउट जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। निर्णायक बाउट से एक दिन पहले उनका वजन 100 ग्राम अधिक मिला और विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद से उनके रजत पदक पर संशय बरकरार है, जिसका देशवासी पिछले 4 दिन से खेल पंचाट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने बताया कि पूरा परिवार समेत देश की निगाहें मंगलवार को आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं। पूरी उम्मीद है कि विनेश को रजत पदक मिल जाए। उन्होंने कहा कि खेल पंचाट इस मामले में फैसले की तारीख को 2 बार आगे बढ़ा चुका है। यही कारण है कि पदक की उम्मीद और बढ़ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विनेश को रजत पदक मिल जाता है तो पेरिस ओलंपिक में देश को दूसरा रजत और 7वां पदक मिलेगा। हरियाणा के 50 लाख परिवारों को प्रदेश सरकार की स्कीम का फायदा मिलेगा। दरअसल नायब सिंह सैनी सरकार ने गरीब परिवारों के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है।
प्रदेश सरकार ने अंत्योदय परिवार को 500 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर देने के लिए सोमवार को हर घर हर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया। अब उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन वेबसाइट पर पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। अंत्योदय परिवार के लोग एक वर्ष में 12 सिलेंडर भरवा सकते हैं। गैस सिलेंडर भरवाने पर शेष राशि 500 रुपए से अधिक प्रत्येक मास उनके खाते में वापस डाली जाएगी। इसकी सूचना उपभोक्ता के मोबाइल पर SMS के जरिए दी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री सैनी ने पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और अंत्योदय परिवार के जीवन को सुगम बनाना। इसी कड़ी में पोर्टल के तहत लगभग 50 लाख BPL परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। सिलेंडर पर 500 रुपए अधिक खर्च होने वाली राशि हरियाणा सरकार वापस करेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने समक्ष युवा योजना के तहत पंजीकृत युवाओं को मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। आपको ये भी बता दें कि अगस्त से 12वीं पास युवाओं को 900 से 1200 रुपए, स्नातक को 1500 से 2000 रुपए तक और स्नातकोत्तर को 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि इस घोषणा से प्रदेश के 2,61,000 युवाओं को लाभ मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 12वीं में 90% अंक लाने वाले गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को 1.11 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। इसके अलावा स्किल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा प्रदेश के युवाओं को कौशल के प्रति जागरूक एवं सचेत करेगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ड्रोन दीदी योजना, कॉन्ट्रैक्टर सक्षम योजना और IT सक्षम योजना का भी लोकार्पण किया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।